Welcome back once again, ladies and gentlemen, to another exciting episode of Android BGMI Masters Series Talent Hunt. हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं BGMI की दुनिया की एक नई अनडिस्कवर्ड वॉइस. लेकिन उससे पहले चलिए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर फिक्सिस एंड जॉइनिंग अस फॉर अ वेरी स्पेशल एपिसोड. इट्स गोना बी नॉन अदर देन ओशन शर्मा. सो गाइज वेलकम और स्वागत करते हैं हमारे टैलेंट हंट के विनर का भी, जय. हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीछे बड़ी स्क्रीन पे. जय, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू एंड्रॉइड BGMI मास्टर सीरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नॉडविन. ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू नॉडविन. जो आप टैलेंट नॉडविन जो यहाँ पे टैलेंट हंट का कंपटीशन उन्होंने किया था ये इंडिया के टैलेंट सर्च करने के लिए, इसके वजह से हम जैसे अंडरगॉड्स टैलेंट है वो उभरते निकलते आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें मिलने के लिए मिल सकती है. एग्जैक्टली कोशिश वही थी कि जितने भी अनडिस्कवर्ड टैलेंट्स हैं उनको हम लेकर आए फोर फ्रंट पे. ओशन, आप काफ़ी दिन बाद आए, आप बताइए आप कैसा कर रहे हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? टैलेंट हंट आप देख रहे थे काफ़ी दिन से? आई मीन ऑब्वियसली मैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द फ्रेम होकर के देख रहा था और वही एक फीलिंग आ रही थी कि हाँ बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं, उभर रहे हैं. टैलेंट ऐसा नहीं कि जो हम बैठे हैं सिर्फ, ये है भारत के हर कोने में कूट कूट कर भर रखा है और वही है पूरा. और हमारे टाइम पे तो टैलेंट हंट होता भी नहीं था और हम लोग सब परेशान थे, क्लूलेस थे कैसे सीन में एंटर करें. बट यस, थैंक्स टू एंड्रॉइड कि इतना हमें मौका मिला है. बट चलिए, सॉरी फिक्सेस, बट आप आई नो आप अपने सवालों के साथ बहुत उतावले हैं तो पहले आज सवाल आप ही पूछिए. जैसे तो डेफिनेटली बहुत ही एक डिफॉल्ट सा सवाल है जय. कास्टिंग से पहले हर कास्टर को कुछ प्रेप्स करने रहते हैं गेम से पहले, तो आप क्या क्या प्रेप्स करते हो? सबसे पहले मैं कास्टिंग में मतलब कि मेरे को अभी रिसेंट टाइम में मैंने स्टार्ट किया, आपने देखा ही होगा मेरे परफॉर्मेंस से. लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो BGIS का मतलब कि ऑफिशियल इवेंट हुआ था उसके अंदर उन्होंने कास्टर रिक्वेस्ट निकाला था तो उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट कास्टिंग के अंदर बढ़ गया था लेकिन कुछ कारण की वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं रीजनल लैंग्वेज के अंदर गया था. मराठी में मैं बहुत अच्छा कास्टिंग कर लेता हूँ, हिंदी में थोड़ा टोन मेरा चेंज होता था जैसे कि आपने देख लिया हो. और कास्टिंग के मैं जाने से पहले प्रिपेयर क्या करता हूँ, जो मैं इवेंट करता हूँ नॉर्मली जो छोटे इवेंट्स रहते हैं यहाँ पे मैं पूरा प्रिपेयर होकर जाता हूँ जो कौन सी टीम खेलने वाली है, कौन से मैप्स होने वाले और क्या क्या यहाँ पे रोड मैप होने वाला है उस टूर्नामेंट का. बिल्कुल, आई मीन ये सारी प्रिपरेशन तो इम्पोर्टेंट रहती है, हेल्प्स आउट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. लेकिन ओशन आपके पास दूसरा सवाल है कोई? आई मीन देखिए, कास्टर बनने से पहले जब भी आपको बताइए कास्टिंग एक प्रोफेशन आप चूज कर रहे हैं, गेमर बनते हैं आप, एक गेम को सीखते हैं, हर एक चीज करते हैं, राइट? सो एंड्रॉयड जो गेमिंग का एवोल्यूशन है ओवरऑल वो किस तरीके से किया, आपके ओपिनियन में क्या क्या एवोल्यूशन हुआ है गेमिंग में विद रिस्पेक्ट टू एंड्रॉयड? यस, ये बताने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा ओशन शर्मा, आपने कंप्लीट किया 6 ईयर ऑफ कास्टिंग, रियली इंस्पिरेशन फॉर मी. आपको मेंशन भी किया था स्टोरी में मैंने. मैं बताना चाहूंगा एंड्रॉयड के बारे में, जो हम यहाँ पे एंड्रॉयड जैसे स्टेप बाय स्टेप अपडेट ले रहा है, न्यू जनरेशन जहाँ पे आ रहा है एंड्रॉयड का, यहाँ पे बोल सकते हैं हिंदी में कि मक्खन जैसा गेम प्ले चल रहा है. यहाँ पे मैं खुद गेम प्ले खेलता हूँ और मेरी टीम भी यहाँ पे गेम प्ले खेल रही है, वो भी एंड्रॉयड में खेल रहे हैं और तबाही मचा रही है. यहाँ पे एंड्रॉयड जो स्टेप्स ले रहे हैं मतलब कि बजट में फ़ोन ला रहे हैं, एंड्रॉयड जो बजट में सिस्टम ला रही है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और वी लव इट क्योंकि बजट हमारा बहुत कम रहता है और इसके अंदर एंड्रॉयड फ़ोन से हम खेलते हैं और लॉबी के अंदर तबाही बचा देते हैं हमारे प्लेयर्स. खुद मेरी एक टीम है जो अंडरडॉग्स है और वो एंड्रॉयड के अंदर खेल के तबाही मचा रही है. रिसेंट टाइम में आपको देखने के लिए मिल जाएगी वो. वाह, आपको क्या नाम है उनका? हाँ, नाम बताइए टीम का. My team name is JK Esports. JK Esports. इंतजार रहेगा JK Esports को देखने का. लेकिन अभी आपने मेंशन किया मिस्टर शर्मा के 6 साल पूरे हो चुके हैं कास्टिंग में, ये बजट हमारा इशू रहता है रिलेटेबल 6 ईयर्स अगो. एग्जैक्टली, ये इशू रहा है जी सबके लिए रहा है जय. तो आई मीन बजट बढ़ जाता है टाइम के साथ ही, बट अभी हम भी आगे बढ़ेंगे. एक मेरा सवाल भी रहता है, मैं तो चाहूंगा आप हमारे को अपने बारे में बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट यू. जैसा आपने बताया कि आपकी एक टीम भी आ रही है लेकिन आप क्या करते आ रही हो, स्टूडेंट आप कोई नौकरी कर रहे हैं कास्टिंग के साथ साथ या? एग्जैक्टली यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी 12th पास करने के बाद मैं BBA कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैं एविएशन का कोर्स भी कर रहा हूँ और कास्टिंग यहाँ पे चल रही है अपने बाजू में. वाह, कास्टिंग तो चल रही है और यहाँ पे हसल्स भी है. हसल भी और एक और मेरा मतलब कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता था. धीरे धीरे वहाँ पे मैं थोड़ा लो होता गया लेकिन वो चालू ही है. जहाँ पे यूट्यूब पे मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ 5K सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं ग्राइंड करता रहूँगा क्योंकि मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स को प्रूव करना है. बिकॉज जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तब वो लोग बोलते हैं क्या कर रहा है लेकिन उनको मुझे प्रूव करके दिखाना है कि गेमिंग में भी कुछ है. और आप मेरे आइडल्स हो, मैं आपको दिखाता हूँ. उस दिन मेरे फादर TV पे BGMS देख रहे थे
वो मेरे से फॉर्मेट पूछ रहे थे, ये गेम कैसे, मतलब होता क्या है इस गेम के अंदर। वाह, मुझे तो बताते हुए बहुत प्राउड फीलिंग आ रही थी BGMS का। यही BGMS टेलीविजन पे आ रहा है, इसकी वजह से पेरेंट्स का भी इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, थैंक्स टू एंड्रॉयड। Wow, exactly. Thanks to Android for bringing us this amazing opportunity. Not just BGM Master Series, but Talent Hunt. But Jay, thank you so much for sharing your experiences with us, your journey, your experiences with Android as well. Hope to see you on the stage, as you told us, with your team in the future. And thank you guys as well, Mr. Sharma, Mr. Fixus, and you guys for tuning in to this edition of Android BGMI Master Series Talent Hunt. We will be back with a new day, a new voice. Until then, take care. Bye-bye. Bye.